हेलो नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पे जानकारी देनी मेरी हॉबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके सामने लेके आऊँ टाटा की टैगोर BS6 वेरिएंट है और काफ़ी अच्छी गाड़ी है। और सबसे मेन बात तो ये है कि ना, सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत बढ़िया गाड़ी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और टाटा के जो इंटीरियर के फीचर हैं वो भी काफ़ी अच्छे आने लगे हैं गाड़ियों में आजकल। तो मैं आपको एक एक करके सारी की सारी फुल वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और इसका माइलेज से लेके इंजन कितना है सारी की सारी जानकारी बताऊँगा आपको। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखना। जो लोग वीडियो पर नए आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ, वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उसी टाइम उसको देख लो। तो देख सकते हो ये है टाटा टैगोर। अगर हम इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये 5,40,000 से स्टार्टिंग होकर 7,50,000 तक चली जाती है। मतलब एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ। देख सकते हो सामने वाली लाइटें काफ़ी अच्छी हैं और टाटा ने एकदम से पूरी की पूरी लुक गाड़ियों की चेंज कर दी गई है और अंदर से फीचर भी काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे मेन बात यह है कि ये ना मतलब अफोर्डेबल है, मतलब कोई भी ले सकता है और काफ़ी अच्छे फीचर मिल जाते हैं इतने कम प्राइस रेंज के अंदर बिल्ड क्वालिटी के साथ। तो सबसे मतलब बेस वेरिएंट आता है इसका एक्स ही आता है, जो कि 5,40,000 से स्टार्ट होके और इसमें टोटल 6 वेरिएंट आ जाते हैं जो कि 7,50,000 तक चले जाते हैं। अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करेंगे तो 419 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा और आप इसमें काफ़ी सामान लेके जा सकते हो और 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। और नंबर ऑफ डोर हमें टोटल 5 मिल जाते हैं डिग्गी के साथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो देख सकते हो और ये लाइटिंग मिल जाती है, अभी मैं आपको जला के दिखाई थी स्टार्टिंग में। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी लाइटिंग मिल जाती है और लुक इसका हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा लुक जैगवार से पीछे से रिलेटेड लगभग दिख जाता है अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो। तो देख सकते हो आपको ऑल पावर विंडो मिल जाती हैं और हमें काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है। और ये अगर हम इसकी सबसे अच्छी बात करें तो ये मोस्ट मतलब अफोर्डेबल सेडान में आ जाती है। लगभग आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। और ये लॉग है ना, लॉग ये ओल्ड वाले दिए हैं, लेकिन ये ऑल मतलब पावर विंडो हैं और सेंटर लॉकिंग इसमें प्रोवाइड की गई है। देख सकते हो इंटीरियर काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। और इसकी टाटा की टियागो आती है, टैगोर आती है, नेक्सॉन आती है, अल्ट्रोज आती है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया गाड़ी आ रही हैं। और सबसे मेन है जो हैरियर, तो सबकी मतलब छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी तक क्वालिटी एकदम अच्छी और इम्प्रूवमेंट इन्होंने ज़्यादा की गई है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा इसमें ठीक नहीं लगी, इन्होंने पेट्रोल वेरियंट ही सारे निकाल दिए हैं, इनको डीजल वेरियंट भी निकालने चाहिए। अगर हम पेट्रोल मैनुअल में बात करें तो ये लगभग 20 तक का माइलेज दे देती है और ऑटोमेटिक भी लगभग 20 के आसपास माइलेज दे देती है। तो माइलेज में ज़्यादा फर्क नहीं है। और ये हमें पीछे ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं हाथ वगैरह रखने को, और ये अपना पानी वगैरह सामान वगैरह थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो गाड़ी में स्पेस काफ़ी है, आप आसानी से 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, पीछे की बात कर रहा हूँ मैं, और 2 लोग आगे। तो 5 लोग जिसकी फैमिली छोटी है वो लोग इसको आसानी से प्रेफर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इतनी अच्छी और इतने कम में बिल्ड क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती टाटा के अलावा, क्योंकि टाटा अभी ज़्यादा ध्यान दे रहा है क्योंकि वो नई नई मार्केट में गाड़ियाँ ला रहा है और ज़्यादा अच्छे से मतलब उनको पेश कर रहा है, मतलब एक कस्टमर के सामने की बात कर रहा हूँ मैं। तो देख सकते हो ये ना फिनिशिंग आगे ग्रिल वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा दे दिया गया है इन्होंने, और ये छोटी सी लाइटें और काफ़ी अच्छा कुछ इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है। नंबर ऑफ सिलेंडर गाड़ी में हमें 3 प्रोवाइड किए गए हैं। और ये सामने से लुक देख रहे हो, ये टैगोर और टियागो लगभग कुछ ना कुछ सेम टू सेम मिलती जुलती गाड़ियाँ मिल जाती हैं इसमें। और इसकी अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो लगभग हमें होंडे की ओरा मिल जाती है, और अगर हम बात करें मतलब होंडा की तो होंडा की अमेज मिल जाती है। तो इसके ये मतलब बजट के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। देख सकते हो ये रो 2 है जहाँ पर मतलब बैक सीट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक इसमें हमें 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि मतलब पेट्रोल का मतलब इंजन काम करता है इसमें। देख सकते हो आप लोग ये सामने से डैशबोर्ड मिल जाता है, डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा है इन्होंने। और ये टॉप मोस्ट वेरिएंट में हमें ग्रिल और मतलब सब कुछ मिल जाता है। ये टॉप मोस्ट वेरिएंट मतलब 7,50,000 का एक्स शोरूम प्राइस है और लगभग इसमें मैं सब कुछ मतलब क्रोम वगैरह सब कुछ पहले से ही इनबिल्ट मिलती है, हमें कुछ बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब बाहर से हमें अगर हम टॉप मोस्ट वेरिएंट मतलब लेते हैं गाड़ी का तो हमें 54 पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हो आप, अगर हम पावर की बात करें तो पावर हमें ये 84 BHP 6000 RPM के साथ प्रोड्यूस कर देती है। अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो मैक्सिमम टॉर्क ये हमें 113 नैनोमीटर 3300 RPM के साथ प्रोड्यूस कर देती है। तो देख सकते हो आप लोग काफ़ी अच्छी गाड़ी है। आपको गाड़ी कैसी लगी टाटा की टैगोर, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम आते हैं इंटीरियर पे, आगे स्टीयरिंग पे। तो तुम्हें पावर स्टीयरिंग मिल जाती है और 2 एयरबैग मिल जाते हैं फ्रंट में, जो कि काफ़ी सेफ्टी के पर्पज़ से काफ़ी अच्छे हैं। और टाटा की बिल्ड क्वालिटी मैं बार बार बोलूँ, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। अगर आप लोग मतलब आपको एक गाड़ी चाहिए और छोटी चाहिए और कम पैसे में चाहिए तो आप मे भी टाटा प्रेफर कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी है, इंटीरियर काफ़ी अच्छा है
है और इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है, मतलब गाड़ी बनाने पे काफ़ी ध्यान दिया है। मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ टाटा की कि टाटा की मुझे गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी, मैंने चला के देखी थी, इंजन काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त है, पावरफुल है, तो आप लोग जाके प्रेफर कर सकते हो अगर हम इसकी गाड़ी के। और हमें ये मतलब टॉप मोस्ट वेरिएंट में हमें ये भी मिल जाता है, आगे टच स्क्रीन सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम बड़ा अच्छा मिल जाता है और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इस काफ़ी सारे स्पीकर मिल जाते हैं, तो देख सकते हो आप लोग साउंड क्वालिटी जाके सुन सकते हो, टेस्ट ड्राइव जाके ले सकते हो फिर आप। और स्टीयरिंग पे हमें सारी चीज़ मिल जाती है, वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाता है, कॉलिंग वगैरह सब कुछ, जो बेसिकली मतलब टॉप मोस्ट वेरिएंट में आता है। इतने कम प्राइस रेंज की बात करूँ, 7.5 से 8 लाख के बीच में बात करूँ मैं। और हमें 12 वोल्ट का चार्जर रखने के लिए जगह मिल जाती है और चार्जर लगाने के लिए भी जगह मिल जाती है, और आगे ग्लव बॉक्स मिल जाता है जहाँ आप अपना टोल वगैरह की पर्ची वगैरह और जो भी छोटा मोटा सामान है वो आप वहाँ पर रख सकते हो। और यहाँ पर हमें ये मिरर मिल जाता है जहाँ से आप अपना पीछे का व्यू वगैरह देख सकते हो, मैं आपको सेट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे हमें ये साइड में ऑल पावर विंडो मिल जाती है, अभी मैं आपको पीछे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हो लाइट मिल जाती है हमें पीछे, और ये डोर और ये मतलब। और इसमें हमें एक और अच्छी चीज़ है, जो जो ना बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनके लिए हमें ये मतलब चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है, जो लोग मतलब चलते चलते गाड़ी में खिड़की खोल देते हैं तो उनके लिए हमें चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है, जो कि आजकल सब गाड़ियों में आ रहा है। तो देख सकते हो वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अगर हम इसके बात करें ओवरऑल लेंथ की, तो ओवरऑल लेंथ इसकी 3993 है, अगर विड्थ की बात करें तो 1677 है, अगर हाइट की बात करते हैं तो 1532 इसकी ओवरऑल हाइट है जमीन से लेके। अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हमें मिल जाता है 170 mm मिल जाता है, अगर व्हील वेस की बात करें तो 2450 इसका व्हील वेस मिल जाता है। अगर हम इसके मतलब टायर साइज की बात करें तो टायर साइज हमें 175/60R15 का टायर मिल जाता है, जिसमें हमें एलॉय व्हील 15 इंचेस के एलॉय व्हील मिल जाते हैं, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे एलॉय व्हील हमें टॉप मोस्ट वेरिएंट में कंपनी खुद लगा के दे रही है। बैक से लुक गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, आपको कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिन लोगों को फोन वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए वो मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, IMBobbyTech222, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर मैं लगातार फोन वगैरह की वीडियो अनबॉक्सिंग और टैक्स से रिलेटेड जानकारी डालता रहता हूँ। तो देख सकते हो गाड़ी काफ़ी अच्छी है और ये मतलब हैचबैक और मतलब सेडान में आ जाती है, तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी, आपको कैसी लगी आप लोग एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।